आधुनिकता के दौर में खर्चीली शादियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। डेकोरेशन, टेंट से लेकर खाने पीने में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। पर्याप्त पैसे की व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन वाहवाही जरूरी है। लेकिन कांकेर में ऐसी शादी हो रही है जिसने खर्चीली शादियों के औचित्य को चुनौती दे दी है। सरोना क्षेत्र के बोदेली गांव में डॉक्टर सनद नेताम की शादी का मंडप लाखों खर्च कर नहीं सजाया गया। गांव में उपलब्ध छिंद के पत्तों से आकर्षक शादी का टेंट और मंडप बनाया गया है। यही नहीं, मेहमानों के खाने के लिए कोई हलवाई या कैटरर नहीं बुलाया गया। गांव के लोग अपने घरों में ही शादी समारोह में आने वाले मेहमानों के लिए खाना बना रहे हैं। इस शादी में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। मेरी बेटे का या मेरी बेटी का मैं अच्छे से अच्छे शादी करूं तो उस चक्कर में वो दिखावों के चक्कर में आ जाता है। वो उसके कारण क्या होता है कि वो ऋण लेके पैसा लगा देता है या कहीं से किसी को मांग के ले लेता है या फिर घर को गिरवी रख के या खेत को गिरवी रख के वो अपने बेटी का शादी करवाता है। तो इसको देख के हमारे साथियों ने ये फैसला किया कि हमारे संगठन ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम इसको जागरूकता अभियान के रूप में ले। छिंद के पेड़ के पत्ते, सल्फी के पत्तों से, जामुन के पत्तों और पेड़ों की टहनियों से मंडप की सजावट की गई है। डीजे की जगह पारंपरिक ढोल नगाड़े हैं। खाना बनाने के लिए मिट्टी के बने चूल्हे का इस्तेमाल किया गया है। इस चूल्हे की खासियत यह है कि एक साथ 6 बर्तनों में चावल, दाल, सब्जी अलग अलग तैयार किया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली लकड़ी का खर्च भी कम है। टेंट में आज 50,000-60,000 है ना, 1-2 लाख के खर्चे हो रहे हैं स्टेज में, डीजे में, तो ये सब पैसा जो है। दूसरी बात क्या है कि पूरा गांव का जो इकोनॉमी है वो उसमें ये योगदान नहीं दे पाता, पूरा गांव का पैसा बाहर चला जाता है। तो इसको रोकने का भी एक अभियान है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो जो पैसा रहेगा वो हमारे आर्थिक विकास में लगेगा, रोजगार उत्पन्न करेगा, गांवी में रोजगार उत्पन्न करेगा। इस कारण वो जो पैसा है उसको मिस उपयोग नहीं करना चाहिए और दिखावे में नहीं होना चाहिए। मंडप और शादी वाले घर की साज सज्जा में 1 सप्ताह का वक्त लगा। गांव के युवाओं ने इसे तैयार करने में पूरी मदद की। जिससे क्या होगा कि लोग जब देखेंगे तो इससे अपना कल्चर झलकता है ना। हमारे दादी के जो दादी हैं वो कैसे व्यवस्था को बनाए थे और आगे कैसे ले जाएंगे, ये सतत चलता रहेगा जो कि बदलाव होगा आगे। दूल्हे ने ईटीवी भारत को बताया कि वे आदिवासी कोयतूर समुदाय से आते हैं। ये समाज शुरू से ही प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। वे चाहते हैं कि लोग आधुनिकता के दौर में अपनी जड़ें ना भूलें। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वो भी मतलब शादियों पे जो प्लास्टिक और खासकर जहाँ भी प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक से बनी चीज़ों को अवॉइड करें और हो सके तो पारंपरिक चीज़ें जैसे पत्तल, दोनी या फिर जो भी उनके जो भी संसाधन है जो गाँव घर से जुटाया जा सकता है उनसे वो शादी को अच्छे से बना सकते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कहा जाता है कि आदिवासियों ने अपनी परंपरा बरकरार रखी है। उनकी सभ्यता से दुनिया के लोग सीखते हैं, चाहे जंगल बचाने के तरीके हों या प्रकृति से प्रेम। आदिवासियों की जीवन शैली, समाज संरचना और सांस्कृतिक मूल्य समाज के लिए दर्पण की तरह माने जाते हैं। यह शादी उन्हीं मूल्यों का हिस्सा बनने जा रही है। बहरहाल आसपास गांव में ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। तामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।